पटेल प्लांटेशन के टेम्पररी कर्मचारियों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पटेल प्लांटेशन ने बीड़ा उठाया है हरित क्रांति का। सिटी क्लीन हो ना हो ग्रीन जरूर कर देंगे, हर जगह पेड़ ही पेड़ लगा देंगे, जहां खाली जमीन दिखी कि पेड़ लगा दो। फोकट में पागल कुत्ते ने काटा है हमें, पेड़ हम लगवाएंगे, पैसे पब्लिक देगी, हम इश्यू निकालेंगे शेयर्स की तरह पेड़ बेचेंगे। लेकिन पेड़ लगे कहाँ हैं? अरे वही तो, हम वो चीज बेचेंगे जो है ही नहीं। यही तो, पर पब्लिक खरीदेगी क्यों? क्यों नहीं भाई, अरे 100 के 25,000 मिलेंगे तो क्यों नहीं खरीदेगी? सर आप डॉक्टर को दिखाई दीजिए, 100 के 25,000 हमें पगार देने का इरादा नहीं है क्या? 25,000 हम नहीं देंगे, वो पेड़ देंगे जिसकी कीमत 25 साल के बाद 25,000 होगी। उससे आपको क्या मिलेगा? 25 साल तक हम पब्लिक का पैसा यूज करेंगे ना। यही तो, पर पेड़ खरीदने आएगा कौन? इसलिए हमने एक ऐसे आदमी को बुलाया है जो बेचने में माहिर है, सेल्स एजेंट शुक्ला। गुड मॉर्निंग कुल्डे। अरे ये तो स्टेशन के बाहर मूंगफली बेचता है, वो भी बड़ी महंगी। हाँ तभी तो इसे बुलाया है, क्योंकि जो मूंगफली काजू के दाम में बेचता है, सोचो पेड़ किस दाम में बेचेगा। यही तो, पर पेड़ बेचेगा कैसे? अरे हम घर घर जाके समझाएंगे। अरे पहले हमें समझाओ। समझना क्या है, देखिए गाय बकरी हो या भेड़, हम सबको खरीदवा देंगे पेड़। ये पढ़ा तूने क्या? अरे एक कंपनी ने 100 रुपए लेके 500 रुपए देने का वादा करके लोगों को लूट लिया। अच्छा। लोग भी कितने बेवकूफ होते हैं ना, कहीं भी पैसा लगा देते हैं, पैसा लगाते वक्त सोचते ही नहीं कि कहाँ लगाना। देख जरा दरवाजे पे है कोई। भाभी जी, आई एम शुक्ला फ्रॉम पटेल प्लांटेशन। हाँ जी बोलिए। हमने पब्लिक इंटरेस्ट में एक स्कीम निकाली है। भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। नहीं सर, तुम मुझे सुन तो दीजिए। नहीं हमें कोई स्कीम लेनी ही नहीं। प्लीज सर लीजिएगा मत, लेकिन सुन तो दीजिए ना। अच्छा चलिए ठीक है, सुनाइए। बताओ आम टुकड़ा, हम पौ लगाएंगे। भेड़ बकरी तो है नहीं भाई। बता भेड़ नहीं, पौ। क्या कह रहे हैं, मेरी तो समझ में आ नहीं रहा। पेड़ भाई साहब। ये क्या किया आपने? पान ठुका सर। ये कोई जगह पान थूकते हैं? अरे सर छोड़िए इन चीजों को, लेकिन आप सोचिए तो 100 रुपए लगाएंगे तो 25 साल बाद 25,000 पाएंगे। 25,000 पाएंगे? क्या बोल रहे हो? मतलब 25 साल बाद 25,000 मिलेंगे आपको। तो लगाने कितने होंगे? 100 ओनली। तो खड़े क्यों हो भाई, यहाँ बैठो ना जरा। भाई चाय वाय लेके आना इनके लिए। भाभी जी दूध थोड़ा सा ज्यादा डालिएगा, बिस्कुट हो तो ठीक ही है। बात तो तुमने बिल्कुल सेल्समैन वाली की। अच्छा ये बताओ स्कीम क्या है जिसमें 25,000 रुपए मिलेंगे? स्कीम ये है कि हम पेड़ लगवाएंगे। क्यों लगवाएंगे? आप लगवाएंगे। मैं क्यों लगवाऊंगा? आपका खादा होगा। मेरा खादा होगा? फायदा होगा सर। और क्या होगा? क्या हो गया अल्टीमेटली? अरे जिस कंपनी का सेल्समैन जगह जगह पे थूकता हो वो कंपनी किस तरह की होगी? चल निकल भाई यहाँ। सॉरी सॉरी बोले। बाहर निकल यहाँ से। अच्छा थूके तू और साथ मैं करूँ? क्या बोल रहा है भाई, माफ कर दीजिए। अच्छी बात नहीं भाई। पेड़ बेच रहा था। चाय। अरे वो भाई साहब कहाँ गए? भगा दिया मैंने साले को। कितने फायदे की बात कर रहा था, सुन तो लेते। सुनता रहता ना तो पूरा घर पान की पीक से भर जाता। कितना अच्छा मौका हाथ से चला गया, 100 के 25,000 दे रहा था। कोई बात नहीं, ये कार्ड तो देके गया ना मुझे अपना। क्या है ये, पटेल प्लांटेशन, कल जाके मिलता हूँ इन लोगों से। अरे वाह, यहाँ तो बहुत भीड़ है, बहुत से लोग खरीदने के लिए आए हैं पेड़। मुसद्दीलाल बड़ी सही जगह पे आया तू। 10 दिन हो गए एडजे हुए, तब कहाँ थे आप? बस थोड़ा सा लेट हो गया पांडे जी, सब पेड़ बिक गए। ना पांडे जी ऐसा मत कहिए, कुछ तो होंगे। अरे भाई कहाँ ना, सब बुक हो चुके हैं। प्लीज पांडे जी देखिए देखिए, टाइम वेस्ट मत करिए, नेक्स्ट टाइम पे आइए। जाइए नमस्ते। पांडे जी नहीं है पेड़। पांडे जी कहाँ ना नहीं है, आपको पता नहीं है मेरे साथ क्या हो गया? अब पता वही है कि एड मैंने थोड़ा लेट पढ़ा बस। तो इसमें हमारी गलती है क्या? नहीं, गलती आपकी नहीं है, गलती तो मेरी है। लेकिन देखिए प्लीज, जब आप लोगों को सपने दिखाते हैं तो आप उनके सपने तोड़ नहीं सकते। आपको पता है जब से मैंने ऐड पढ़ा है तब से मेरे सपने में बस पेड़ ही पेड़ आ रहे हैं। हाँ शुक्र है आपके सपने में पेड़ तो आ रहे हैं, वरना कई लोगों के तो पेड़ भी नहीं आ रहे। इतनी बम्पर सेल हुई है हमारी। अरे तो कुछ हमारी भी करा दीजिए ना। अरे कहा ना, सब बिक गए हैं। देखिए कुछ VIP कोटा वगैरह तो होगा। आप VIP हैं क्या? नहीं VIP तो आप हैं, मैं तो मुसद्दीलाल हूँ। लेकिन लग नहीं रहा। क्या आपको क्या नहीं लग रहा कि हम VIP हैं? अच्छा तो आपको कैसे लगेगा कि आप VIP हैं? जब आप VIP ट्रीटमेंट देंगे। अच्छा हाँ हाँ, ये लीजिए ट्रीटमेंट, आइए। अरे भाई आपको बोला ना नहीं है।
अरे साहब मुझे एमएलए साहब ने भेजा है। अरे भाई मैं अभी एमएलए से ही बात कर रहा था। क्या? हाँ जब उनके लिए नहीं है तो आपके लिए कहाँ से होगा। आप जाइए ना, नेक्स्ट टाइम आइएगा। आइए 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 आइए। भाटे जी। हाँ। ये मुसद्दी लाल जी। हाँ। जी मैं मुसद्दी लाल माली। अरे भाई माली की तो हमें जरूरत है पेड़ पौधों में पानी देने के लिए। नहीं नहीं मैं वो माली नहीं हूँ। तो कौन से माली हैं आप? जी मेरी जात माली है, मेरा मतलब माली सरनेम है। ओ ओ ओ आई सी आई। अरे भाई आप लोग अभी तक खड़े हुए हैं, जाइए ना प्लीज जाइए, यहाँ पे भीड़ मत लगाइए प्लीज। हाँ बैठिए जी। हाँ जी पांडे जी बोलिए। भाटे जी बड़े शरीफ टाइप के आदमी हैं ये। हाँ। इनके लिए देखिए ना कुछ वीआईपी कोटे में। अच्छा अब आप कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा। आप बैठिए चाय लेके आता हूँ। जी समोसे भी लाना? नहीं नहीं मैं नहीं खाता। अरे भाई मैं आपके लिए नहीं अपने लिए मंगा रहा हूँ। ओके तो बोलिए क्या बताएं हम आप? नहीं आप मुझे वो पेड़ों के बारे में स्कीम जो है वो बताएं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि हम अपनी लैंड पे आपके पेड़ लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे और 25 साल बाद हम आपको सौंप देंगे। फिर उनका क्या होगा? अरे भाई वो तो आपकी मर्जी है, उसके बाद आप उन पे चढ़ें कूदें नाचें गाएं काटें या उनको बेचें। बिकेंगे? हाँ मतलब 10,000 से 25,000 के बीच में एक पेड़ जाएगा। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप हमारे इंटरेस्ट में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम आपके पैसे पे इंटरेस्ट ले रहे हैं जी। देखिए 100 रुपए पर पेड़ के हिसाब से हम आपसे पैसे लेंगे अब, और आपको पेड़ देंगे 25 साल बाद। ओ अच्छा, स्कीम तो अच्छी है। बहुत बुरी है। नहीं, नहीं मेरा मतलब था कि हाँ बोल रहे हैं कि ना। हाँ हाँ हाँ। तो फॉर्म भरना पड़ेगा जी। नाम बोलिए। जी मुसद्दीलाल माली। मुसद्दीलाल माली। एड्रेस? एड्रेस 31 तेल वाली गली। तेल वाली गली। काम क्या करते हैं? जी छोटा सा बिजनेस करता हूँ। इनकम टैक्स? कभी भी नहीं भरता हूँ। मतलब कमाई कम है? नहीं नहीं 400-500 पेड़ खरीदने का दम है। मतलब काला धन है? साफ मन है। अच्छा, बीवी? जी 2 के बराबर 1 है। और बच्चे? फिलहाल ब्रेक है। महीने में कितनी बार नहाते हैं? 20 बार। दिन में कितनी बार खाते हैं? 2 बार। नाश्ते में क्या बनवाते हैं? पराठे। मतलब फल नहीं खाते हैं? जी नहीं। गुड वेरी गुड। नहीं पर ये तो बता दीजिए कि ये सब आपने मुझसे पूछा क्यों है? आपका टेस्ट और आपका स्टेटस जानने के लिए। देखिए पहले हम फॉर्म भरते हैं, फिर हमारी उषा मैडम जो है फॉर्म पढ़ के ये तय करती हैं कि आपकी नेचर और आपकी औकात के हिसाब से आपको कौन सा पेड़ सूट करता है। तुम्हें धनिया का पेड़ दे सकते हैं। धनिया का? धनिया का तो पेड़ नहीं होता, धनिया का तो पौधा होता है। यही तो, तुम्हारा फॉर्म देख के तो इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। क्यों? महंगा पड़ेगा तुम्हें। नहीं नहीं देखिए बात ये है, मैं वो पेड़ लूंगा जो 25 साल के बाद बहुत से पैसे देगा। अच्छा तो फिर कटहल का ले लो। कटहल? हाँ कटहल, जो 25 साल के बाद भी बेच सकोगे। ये देखो। ये क्या है? कटहल। हाँ देखो देखो। हाँ देखा। सिर्फ देख क्या रहे हो, छीलो ना। हैं जी? छीलो छीलो, तब तक मैं कुछ और सोचती हूँ। आम के तो नहीं है, सेब भाटिया खा गया। टीक के कुछ है रिसेल में? नहीं थे। नहीं 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 नहीं, अभी आपने कहा टीक के हैं। नहीं थे, शुक्ला लेगा था उठा के। जो 200 से ऊपर लगाएगा वही लेके जाएगा। ठीक है 200 रुपए शुक्ला जी। 201 रुपया पा रहा ना। 201 रुपया 80 पैसे। 201 रुपया 90 पैसा। 202 रुपया। 202 रुपए 1। 202 रुपए 2। 205 रुपए। बिजनेसमैन अपनी बोली पे बोली लगा रहे हो। अरे मैं पेड़ किसी और को खरीद नहीं दूंगा, सारे के सारे पेड़ मैं खरीदूंगा। है कोई माइकल लाल जो पेड़ खरीद के दिखाए? है कोई? कोई नहीं है माइकल लाल, सब ऐसे ही है। आप बैठो। ये पहचाना? नहीं। अरे आप मेरे घर पे आए थे? भैया हम तो डेली 25 घर में जाते हैं। आपने 3 बार वहाँ पे पान थूका था? पर हम तो हर घर में कितनी बार पान थूक चुके हैं। मैंने तो धक्के मार के आपको वहाँ से निकाला था। सब ऐसे ही निकालते हैं। एक पेड़ भी नहीं खरीदा था मैंने। किसी ने 8 तक मुझसे भी नहीं खरीदा। नहीं जी मतलब 8 तक समूह ने मुझसे ही खरीदा। देखिए ऊपर वाले के लिए आप भी मुझसे ही खरीदने आ गए। तो 500 टीक के पेड़ आपके हुए जी। थैंक यू। बोलिए पेमेंट कब देते? पेमेंट तो मैं कभी भी दे दूँ, पर मैं एक्चुअली क्या है कि जरा लैंड देखना चाहूंगा। कहाँ लगा रहे हैं आप? अंडमान जाना पड़ेगा बेटा। क्या? हाँ वहीं लगा रहे हैं। यहाँ नहीं लगा सकते थे? अरे यार 50,000 पेड़ यहाँ लगाएंगे तो लोग पाक कहाँ रहेंगे पेड़ पे? 50,000 पेड़ और क्या, सबसे लास्ट में आप ही आ रहे हैं, सबसे कम आप ही ले रहे हैं। देखिए भाई आप पहले अंडमान जाएंगे कि पहले पैसे देंगे? नहीं ऑफ कोर्स पहले अंडमान जाऊंगा, वहाँ जमीन है ना। देखिए अगर कोई शक है तो अभी भी मैं। अरे नहीं भाई नहीं, मैं ले रहा हूँ, मैं ले चुका हूँ। ये बता दो पैसे किसको देने? पटेल साहब को दे दीजिए। पटेल कौन है? हाँ बोलो बोलो। हाँ 3,000 एप्पल ट्रीज। हाँ ओके ओके। नहीं 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 नहीं, इंडिया में तो जगह नहीं है। हाँ नाइजीरिया में चलेगा? हाँ हाँ ओके 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 बाय। ओ बाप रे, सर दुख गया मेरा, देख रहे हैं ना आप,
इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है, अरे भाई जगह नहीं है ना, क्या करूंगा। एनीवे मैं तो क्या पागल आदमी हूँ, अपनी ही बातों में लगा हूँ। आप बताइए कितने? 500। 500 बस? नहीं, लेना तो मैं और भी ज्यादा चाहता था, लेकिन है नहीं ना आपके पास। हाँ वो लैंड की शॉर्टेज है। राइट राइट, दीजिए। 125,000। जी सर, 125,000 होगा। 125,000? नहीं, 205 के हिसाब से 125,000 होता है। हाँ, मगर 250 के हिसाब से 125,000 होता है ना। लेकिन मैंने तो 205 के हिसाब से खरीदे हैं ना। हाँ, मगर हमने 45 रुपए अपने देखभाल के लगाए हैं। नहीं, लेकिन 45 रुपए तो देखो बेमान जाओ, ये क्या है, पेड़ पौधे होते हैं, बच्चे की तरह होते हैं, मासूम बेचारे। आप सोचिए, हम उसकी देखभाल करेंगे, 25 साल तक पालेंगे, पोसेंगे, खाद खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। मैं लेकिन दूंगा नहीं। क्या है, 45 रुपए दे दीजिए देखभाल के, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो हम अच्छी देखभाल करेंगे या तो नहीं करेंगे। करेंगे क्यों, और नहीं की तो दो बातें होगी, या तो आपका बच्चा फलेगा फूलेगा या तो लूला लंगड़ा रह जाएगा। फलेगा फूलेगा कैसे और लूला लंगड़ा रहेगा, तो दो बातें होगी, या तो वो बिकेगा या तो नहीं बिकेगा। बिकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और नहीं बिका तो दो बातें होगी, या तो हम उसे काट के लैंड खाली करेंगे, या तो आप काटेंगे खुद और घर ले जाएंगे। हमने काटा तो पर कटाई 300 लगेंगे, और आपने काटा तो पर कटाई 500 लगेंगे। तो भाई क्यों 45 के 500 देना चाहते हो? 45 देकर छुट्टी करो ना भाई साहब। ओके ओके, अब बता दीजिए मेरा बच्चा कहाँ? वो तो आपको पता होगा ना, स्कूल गया होगा शायद। मेरा बच्चा नहीं, नहीं, मैं उस बच्चे, मैं उस पौधे की बात कर रहा हूँ सर। अभी बुलाता हूँ। पांडे जी, पांडे जी, करना है? यस सर। ये रहा आपका बच्चा। ये हाँ, आई मीन आपका पौधा। ये देखने में तो गेंदे का पौधा लगता है, टीक का नहीं। वो क्या है ना, बच्चे पैदा होते हैं तो सारे एक जैसे दिखते हैं ना, ये सब एक जैसे ही दिखते हैं, मगर 25 साल के बाद देखना, आप खुद नहीं पहचान पाएंगे कि ये आपका बच्चा है। अच्छा ठीक है, ओके समझ गया मैं। अब आप ऐसा कीजिए, आप मुझसे ये 1,00,000 रुपए तो ले लीजिए, और बाकी का 25,000 मैं आपको कल लाके दे दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात, ये आप ले जाइए, हमें विश्वास है आप पर, ले जाइए, ना मत कहना, हमें विश्वास है कल 25,000 उषा जी के पास जमा करा देना। जी ठीक है, लेकिन देखिए वो जो पैसे आप मेहमान नीचे रखे हैं ना, वो मेरी बहुत मेहनत की कमाई के हैं, उनको ध्यान से रखिए। डोंट वरी, हम अपना माल समझ के ही रखेंगे। हाँ जी, है जी। ये लीजिए पेपर्स, और घर जाके आराम से सो जाइए 25 साल तक। उसके बाद नींदें उड़ जाएंगी। क्यों? जिसके पास करोड़ों होते हैं उसे नींद आती है क्या? हाँ वो तो है। ओके, तो फिर मिलते हैं। कब? 25 साल बाद। अरे ये पढ़ा तुमने? क्या? एक कंपनी ने 500 के 20,000 करने के चक्कर में लोगों के करोड़ों रुपए लूटे। अब देखो लोग कितने बेवकूफ होते हैं, ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना समझते हैं, पैसे लगा देते हैं। सुनो, तुमने भी तो लगाया था। हाँ, पर मैंने तो 100 पे 25,000 वाला लगाया था, और बहुत सोच समझ के लगाया था। पैसे कब मिलेंगे? पैसे तो 25 साल बाद मिलेंगे, 25 अक्टूबर 2026 को। अच्छा, आज 26 अक्टूबर 2026 है? क्या वक्त इतनी जल्दी गुजर गया। ठीक है तो मैं बच्चों को लेकर आता हूँ। बच्चे? बच्चे तो हुए नहीं। अरे नहीं, मेरा मतलब है पेड़, वो भी तो अपने बच्चे ही हैं। हाँ। बस लेकर आता हूँ। 25 साल मेरे भाई, कमाल है, 25 साल बाद भी पेड़ खरीदने के लिए उतनी ही भीड़ है। इसे कहते हैं जेन्युइन कंपनी। नहीं है कहा ना, अरे भाई नहीं है पेड़। ऐसे कैसे नहीं है पांडे जी, पेड़ तो आपको देने ही पड़ेंगे। अरे नहीं तो मार मार के लेंगे। भाई वाह कमाल है, मतलब पेड़ों की इतनी डिमांड है कि लोग मार मार के लेंगे। वाह वाह पांडे जी, पांडे जी। क्या है जी? मुझे पेड़ चाहिए। नहीं है। नहीं नहीं पांडे जी, मैं खरीदने के लिए नहीं आया हूँ, खरीद तो मैंने लिए थे, मैं पेड़ लेने आया हूँ। अरे भाई कहा ना, नहीं है पेड़। आप समझ नहीं रहे मेरी बात, पेड़ तो मेरे पास है। तो यहाँ क्या लेने आए हो? आप समझ ही नहीं रहे हैं,
अरे आप जाके भाटिया जी को समझाइए। हम क्या समझें, आप समझिए। मैं तो 25 साल पहले समझ गया था, 25 साल पहले आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे भाई साहब, आजकल तो आईना देख के खुद को नहीं पहचान पाता। मैं याद दिलाता हूँ, 25 साल पहले आप यहीं बैठे हुए थे। भाई साहब, मैं पिछले 25 साल से यहीं बैठता हूँ। एप्पल खा रहे थे। अब भी एप्पल खा रहा हूँ। मेरा फॉर्म भरा था। अरे सबका भरता हूँ भाई। उषा जी के पास भेजा था फिर। अच्छा, हाँ तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वहीं जाइए ना। वो कहाँ है? मैं तो यहीं हूँ पिछले 26 साल से। 25 साल पहले मैं आपसे मिलने के लिए आया था। आए होंगे, आपने मुझसे कटहल कटवाया था। वो तो अभी भी कटवाऊंगी, लो काटो। जी, फिर आपने मेरी फाइल देखी थी और उसके बाद आपने कहा था आपके पास पेड़ नहीं है। हाँ, पेड़ नहीं है। ये तो आपने 25 साल पहले कहा था। यही तो, 25 साल बाद भी यही कहूंगी। क्या? पेड़ नहीं है। लेकिन फिर आपने मुझसे कहा था आपके पास नहीं है, शुक्ला के पास है। तो फिर यहाँ क्यों आया हूँ? मैं तो कटहल काटने के लिए आया हूँ। तो काटो और जाओ। जी, मेरे पेड़ कहाँ है? पेड़ नहीं है। नहीं है मतलब? मतलब नो नो। अरे ऐसे कैसे भाई, मेरी तो मेहनत की कमाई लगी हुई है, 1,25,00,000 रुपया मिलना चाहिए, मुझे पेड़ दो। कहाँ से दे पेड़ बताओ? कहाँ? वो पटेल का है, पटेल का। हाँ जी, फरमाइए। फरमाइए नहीं, पेड़ लाइए। कौन से? वही जो अंडेमान में लगाए थे आपने 500 पेड़। हाँ याद आया, सॉरी मगर वो तो नहीं है। नहीं है मतलब? मतलब है नहीं। कराए, कमाल कर रहे हैं आप भाई। आपने मुझसे कहा था 25 साल के बाद यही पेड़ गबरू जवान हो जाएंगे, एक एक पेड़ 25,000 रुपए में बिकेगा। हाँ कहा था। तो कहाँ है पेड़? नहीं है। नहीं, फिर से नहीं है। पेड़ लगाए भी थे आपने? लगाए थे, पर क्या? बकरी खा गई। बकरी खा गई? खा के कह रहे हैं, बकरी खा गई। अरे बकरी खा गई तो मैं क्या करूं, मुझे तो पेड़ दो। कहां से दे? अरे कहीं से भी दो। ये फाइल है, इसके अंदर कागज है, उसके ऊपर लिखा हुआ है आपने कि आप तो मुझे देंगे। भाई साहब, आपने 127 नंबर पेज पे 21 नंबर लाइन नहीं पढ़ी? क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल कैलेमिटी होने पर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। नेचुरल कैलेमिटी पर? आप तो कह रहे हैं बकरी खा गई। बकरी का खाना कोई नेचुरल कैलेमिटी थोड़ा ही है, वो तो नेचुरल कैलेमिटी होती है, कोई तूफान आ जाए, कोई भूचाल आ जाए, कोई अकाल पड़ जाए। अकाल ही तो पड़ा था। कहाँ? अंडमान में सब भूखे थे, बकरी भी भूखी थी, बेचारी पेड़ खा गई। क्या? तो आप लोगों ने पेड़ों की इंश्योरेंस नहीं करवाई थी? नहीं सर, सॉरी। सॉरी वोरी कुछ नहीं चलेगा, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, पैसे तो मैं लेके ही जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, तो हम कब कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे? तो लाओ दो। आपको थोड़ी सी हेल्प करनी होगी। क्या? हम फिर से पेड़ लगाएंगे, सिर्फ 50 रुपए में इस बार, और फिर 25 साल के बाद 25,000 मिल जाएंगे। 25 साल के बाद? हाँ। 25 साल के बाद नहीं, मुझे तो अभी चाहिए पैसे सारे, नहीं तो मैं मुकदमा कर दूंगा आप लोगों पे। अरे वहाँ कोर्ट कचहरी में 20-25 साल से ज्यादा ही लग जाएगा, और 2-2.5 लाख का खर्चा अलग। और ये भी क्या जरूरी है कि फैसला आपके हक में हो? हम तो गारंटी दे रहे हैं कि 25 साल बाद पैसे ले लो। सोच क्या रहे हो, जवाब दो, बोलो। अगर फिर से बकरी खा गई तो? अरे तो नो प्रॉब्लम, फिर से 25 साल वाली स्कीम निकालेंगे और फिर पैसे देंगे जरूर। पैसे मारना हमारी नियत नहीं है भाई। नहीं, तब तक अगर मैं मर मुरा गया तो आपके पेड़ों की लकड़ी आपके काम ही आएगी भाई।